हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। हेमकुंड में प्रतिदिन 5000 यात्री माथा टेक सकेंगे। हेमकुंड की यात्रा के लिए पंजीकरण जरूरी हो गया है, यानी कि अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। 19 मई को रवाना होगा यात्रियों का पहला जत्था। 22 मई से हेमकुंड की यात्रा शुरू होने जा रही है। हेमकुंड साहिब की यात्रा 22 मई से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां आखिरी चरण में हैं। 19 तारीख को तकरीबन 500 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना किया जाएगा। इस बार हेमकुंड साहिब के लिए भी यात्रियों की भीड़ उमड़ने की संभावना है, व्यवस्था बनी रहे इसके लिए हेमकुंड साहिब में यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई है। इस बार हेमकुंड साहिब में प्रतिदिन सिर्फ 5000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। इसके अलावा चारधाम यात्रा की तरह हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे चारधाम यात्रा में स्थितियां बिगड़ी, वैसी हालत हेमकुंड साहिब में ना हो, इसलिए यात्रियों की संख्या को कुछ कम रखा गया है। सिर्फ एक दिन में 5000 यात्री ही माथा टेक पाएंगे। 22 मई से उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब की यात्रा भी शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा चल रही है, उसके साथ साथ ही हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के लिए भी तमाम लोग दर्शन के लिए आते हैं। 19 तारीख को पहला जत्था रवाना किया जाएगा। और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या यात्रा में इस बार लोगों को सुविधा मिलने वाली है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ट्रस्ट के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर की गई हैं। सर, बड़ी महत्वपूर्ण यात्रा रहेगी, सिखों की सबसे अच्छी महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है, तो अभी हम किस तरह की धाम में व्यवस्थाएँ देखें, सभी व्यवस्थाएँ आपने जांच कर ली है? देखिए, हमारे पास एक ही मेरे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी यात्रा के लिए सब स्थानों पे उन्होंने धर्मशालाएं बना रखी हैं, जिनमें रहने का खाने का पूरी व्यवस्था की जाती है। इस बार हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमने गोविंद घाट और घाघरिया दोनों जगह जो ठंडी जगह हैं उनमें हीट पम्प्स लगवाए हैं, ताकि पानी की जो गर्म पानी हर एक आर्मी को मिले। स्नान करना है, कुछ भी करना, आपको गर्म पानी की व्यवस्था होगी। ये एक एडेड फॉर्म इस बार हुआ है। नॉर्मल वे में हम लोग इतने इक्विप्ड हैं ओवर द ईयर्स कि आप अगर आप देखो तो सौर ऊर्जा में हमने सबसे पहले काम कराया, ऋषिकेश पूरा सौर ऊर्जा चल रहा है। और उसमें अगर और पर्यावरण के मामले में जितने भी कार्य हैं वो हम पहले ही कर चुके हैं। इस बार 2 साल से यात्रा चली नहीं, तो 2 साल के बाद भी यात्रा चल रही है, तो 2 साल से जो बिल्डिंगों के रख रखाव होना था वो कर करा के हम बिल्कुल तैयार हैं। हमने अपने सारा कुछ जो करना था, लाव लश्कर हमारा सारा चला जा चुका है, हमारे स्टाफ सारे ऊपर पहुंच चुका है, हेमकुंड साहब तक पहुंच चुका है। अब सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट ने गुजारिश की है कि भी और चार धामों की यात्रा पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है, उत्तराखंड के ऊपर बहुत लोग आ रहे हैं, तो उस करके हमें भी उन्होंने कहा है कि इसको नियंत्रित करने के लिए आप लिमिट कर दीजिए कि 5000 आदमी एक दिन में जाए, जिसके लिए हमने उनको सर, जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से यात्रा हुई नहीं है और यात्रा ना होने की वजह से इस बार संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लिमिटेशन जो की गई है उससे श्रद्धालु थोड़ा सा नाराज भी हैं कि भाई लिमिटेशन रख दी है, जो हम यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको हम यात्रा नहीं मिल पाएगी, जिन वो इच्छा चाहते हैं उस दिन नहीं मिल पाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि उनको समझा पाएंगे आप, और क्या वेबसाइट हमने तैयार की है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? देखिए, हमने ऑल ओवर इनको समझाने के लिए ऑलरेडी हमने सब जगह मैसेजेस डाल दिए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे थ्रू प्रेस आप लोगों के थ्रू है, पंजाब की सारी प्रेस के थ्रू है, और हमने यही समझाने का प्रयत्न किया है कि ये आपके भले के लिए, हम ये जो रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई है आपके भले के लिए। पहली बात तो देखिए, 5000 आदमी रोज़ जाने का हेमकुंड साहब जैसी जगह 15200 फुट की हाइट के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ पर्याप्त है और काफ़ी जो इसमें कवर हो जाता है। और अगर एक आधा दिन किसी को आगे पीछे भी करना पड़ेगा तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम तो वैसे भी जो हेमकुंड साहब की यात्रा करने जाते हैं तो ये कहते हैं भैया खुला समय लेके आना, आप ये सोच के आना कि आपको 5-6 दिन लगेंगे।